Morning students, now we are on the page number 74 and we are doing comprehension. Read the following passage and answer the questions that follow. कि जो following passage है उसको पढ़ो और जो उसके आगे questions दिए हुए हैं उनके answers लिखो. क्या है देखिए, Oliver was a 9 year old boy. जो Oliver था एक 9 साल का लड़का था. He lived with other homeless boys. इन एन ऑर्फेंज, वह दूसरे जो जिनके घर नहीं होते ऐसे लड़कों के साथ एक अनाथ आश्रम में रहता था, मतलब दूसरे अनाथ लड़कों के साथ अनाथ आश्रम में रहता था. ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर. वह पीला पीला यानी कि येलो येलो स्किन हो गई थी उसकी एंड पतला हो गया था, थिन था, जैसे वहां रहने वाले दूसरे लड़के थे. ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि वो भूखे रहते थे इसलिए कमजोरी आ गई थी. ठीक है, येलोनेस, उसके अंदर खून की कमी थी क्योंकि अनीमिया जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, पेल स्किन हो जाती है, तो इसलिए वो पीला था और पतला था दूसरे लड़कों की तरह. वो लड़के भी ऐसे ही थे. दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड. ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट, और कभी भी उनको पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था, मतलब इतना भोजन नहीं दिया जाता था कि वो उनको भूख ना लगे, मतलब ठीक है. द ओनर ऑफ द ऑर्फेंजे मिस्टर बम्बल वॉज ए क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज. जो अनाथ आश्रम का ओनर था जिसका नाम था मिस्टर बम्बल, एक क्रूर आदमी था, निर्दयी आदमी था, और वो लड़कों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ही ट्रीटेड करता था. द बॉयज वर ऑलवेज हंगरी, लड़के हमेशा भूखे रहते थे. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, बट ईच मील consisted ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वाटरी सूप. ये सही बात है कि उनको 3 टाइम खाना दिया जाता था दिन में, लेकिन जो खाना था उसमें क्या होता था, सिर्फ एक बाउल होता था, किसका, सूप का बाउल, लेकिन जो पानी से भरा हुआ होता था, मतलब सूप कम होता था पानी ज्यादा होता था. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वे लगभग भूखे मरते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप. इसलिए उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि वो मास्टर से, मतलब मालिक से, सूप के लिए कहेंगे, पूछेंगे. बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन क्या है, बोल रहे देखो बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, मतलब कौन मुसीबत ले, कौन पूछे उससे, कौन बोले कि भाई हमें और सूप चाहिए. ठीक है, अब फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. अब फाइनली क्या हुआ, ये टास्क ओलिवर के, मतलब ओलिवर को करना पड़ेगा, ऐसा डिसाइड हुआ. ठीक है, मतलब उसके सिर आ गया ये काम, फेल टू, मतलब ये है टास्क फेल टू ओलिवर का, मतलब उसके सिर आ गया ये काम. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. अब जब बच्चे सभी लड़के इकट्ठा हुए कोल्ड स्टोन हॉल में, ठीक है, मतलब जो एक बड़ा सा हॉल था, हॉल में वो इकट्ठा हुए अपने शाम के खाने के लिए, तो सूप सर्व किया गया. It soon disappeared. अब जो सूप था वो क्या हो गया, जल्दी खत्म हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया. ठीक है, द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर ए लिटिल. अब वो एक दूसरे से कानापूसी करने लगे और एक लड़के ने ओलिवर को आगे की तरफ धकेल दिया. ठीक है, अब ओलिवर मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट. अब जो ओलिवर है उसने साहसिक, मतलब हिम्मत दिखाई. ठीक है, उसने हिम्मत दिखाई, स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, वॉक्ड अप टू द मास्टर, और मास्टर तक चल के गया, विद हिज बाउल, अपने बाउल के साथ, एंड स्पून के साथ, इन हिज हैंड, अपने हैंड में, एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, और कांपते हुए बोला, प्लीज सर आई वांट सम मोर, कि मुझे और चाहिए. ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फेंज. पहला क्वेश्चन ये कि जो ओलिवर था ऑर्फेंज में क्यों रहता था. ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेंज, ऑर्फेंज का मतलब क्या था,
अनाथ आश्रम. ओके, बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं था, क्योंकि वो अनाथ था. ठीक है, हु वाज मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन था, अभी हमने लेसन में उसमें पैराग्राफ में पढ़ा था, पैसेज में. ही वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फेंज. बट मैट मील वर द बॉयज गिवन, कौन सा मील मतलब कौन सा भोजन लड़कों को दिया जाता था. दे वर गिवन ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप. ठीक है, उनको एक कटोरी पानी से भरा हुआ सूप दिया जाता था. मतलब वाटरी का मतलब पानी ज़्यादा होता था, सूप कम होता था, पानी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहती थी. वट डिड ओलिवर से, ओलिवर है जो, वो क्या कहता है. वट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, ओलिवर सैड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वॉन्टेड सम मोर सूप. ओलिवर क्या कहता है मिस्टर बम्बल को, उसको और सूप चाहिए. ठीक है, ये कहता है ना. यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द बॉयज वर गिवन 3 मील्स ए डे, देन व्हाई वर दे ऑलवेज हंग्री. कहता है कि 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा भूखे रहते थे, ऐसा क्यों क्यों. देखो, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, कि जो सूप था वो इनको दिया जाता था वो इनफ नहीं था. तो ये हो गया, ठीक है, यही होगा. बिकॉज दे वर्क्ड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, हार्ड हार्ड मेहनत तो करते थे, लेकिन खाना अगर सही मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेहनत तो कर सकते हैं इंसान. बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रिंक अप देयर सूप, की जो बड़े बच्चे हैं लड़के हैं वो उनका सूप पी जाते थे. नहीं, ऐसा नहीं था, पहला ही राइट है, ये वाला आंसर है. बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, कि जो सूप उनको दिया जाता था वो इनफ नहीं था उनके लिए. ठीक है, अब देखो फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज. ठीक है, क्या है कि पैराग्राफ में से वो वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जिनका मीनिंग सेम है. अब देखो क्या है वो वर्ड, वेरी हंगरी. वेरी हंगरी का मतलब स्टार्विंग, मतलब भूखा मरना एक तरह से. ठीक है, भूखा हो जाना, भूख लगती तो हम क्या बोलते हैं, हंगरी, या फिर स्टार्विंग. आई एम स्टार्विंग मतलब मुझे, मैं भूखा मर रहा हूँ. ठीक है, टू वैनिश का मतलब ख़त्म करना या डिसअपियर हो जाना. ठीक है, जब सूप जब उनको सूप लेना था तो जैसे धीरे धीरे सब ने ले लिया तो फिर ख़त्म हो गया था ना, बल्कि सबको पूरा भी नहीं मिला था तो सूप डिसअपियर हो गया था, है ना. तो वही है, टू वैनिश का मीनिंग डिसअपियर. अब वेरी हंगरी का मतलब स्टार्विंग. ये पैरा भी दे रखें कि ये सेकेंड पैरे में है, ये थर्ड पैराग्राफ में है. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या है, ऑल द बॉयज असेंबल इन द कोल्ड स्टोन होल. हेयर द वर्ड असेंबल, अब ये नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखो असेंबल मींस पूछ रहा है कि असेंबल का मीनिंग क्या है. ठीक है, अब देखो मूव्ड अवे का मतलब तो चले जाना. ठीक है, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, और असेंबल का मीनिंग भी वो इकट्ठे हुए थे ना. कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे. ठीक है, अब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो उसका मतलब कलेक्टेड था. असेंबल्ड का मतलब कलेक्टेड, वर्क टुगेदर का मतलब इकट्ठे मिलकर काम करना, लेकिन हमें असेंबल्ड का मीनिंग बताना है जो कि क्या है, क्या है, कलेक्टेड है. ओके, तो आंसर क्या है, कलेक्टेड. ओके, कलेक्टेड है. चलिए, फ्रॉम द वर्ड असेंबल रिमूव द लास्ट टू लेटर. अगर वर्ड असेंबल से हम लास्ट के दो लेटर हटा दे, एड वन लेटर टू मेक ए वर्ड विच मीन्स ए टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. क्या कहता है, देखो एड वन लेटर, एक लेटर हमें ऐड करना है एक ऐसा वर्ड बनाने के लिए जिसका मीनिंग है ऐसा टाइम जब स्कूल में क्या होता है, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, स्कूल पूरा इकट्ठा होता है, होल स्कूल गैदर मतलब पूरा स्कूल इकट्ठा होता है. तो वो टाइम आप सबको पता ही है, मॉर्निंग टाइम में असेंबली टाइम होता है. ठीक है, तो असेंबली होगा उसका आंसर. गिव ए स्टेबल टाइटल टू द पैसेज. ठीक है, अब इसको, इस पैसेज को हमें एक टाइटल देना है, ओलिवर इन ऑर्फेंज. ठीक है, ये भी हो सकता है, और आप अपनी मर्जी से भी कुछ देखना ढूंढना. ओके, कि क्या हो सकता है.
अब है लेट्स राइट. देखो अब क्वेश्चन वन है लेट्स राइट में. टू लर्न मीन्स, लर्न का मीनिंग, टू लर्न मीनिंग बताना हमें. टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज. अच्छा इसका मीनिंग इन्होंने बताया. देखो टू लर्न का मतलब है कि अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना या फिर नॉलेज गेन करना. टू टीच का मीनिंग है, टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन. टू टीच का मतलब है कि दिखाना कि कैसे कोई चीज़ होती है या उस चीज़ को एक्सप्लेन करना. ठीक है अब देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न. कि करेक्ट फॉर्म हमें बतानी है, यहाँ पे जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वहाँ पे हमें भरनी है. ठीक है टीच या लर्न की कि कौन सी आएगी यहाँ पे. अब देखो अब ये कहते हैं कि विल यू डैश मी चेस, क्या तुम मुझे चेस सिखा दोगे, ये पूछ रहे हैं. ठीक है चेस सिखा दोगे तो क्या आंसर आएगा, हम सिखाने के लिए क्या कहेंगे हम. देखो अभी ऊपर आया था ना कि एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब तुम मुझे सिखा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टीच आएगा. क्या आएगा यहाँ पे, विल यू टीच मी, तो नंबर वन ये आ जाएगा. नंबर वन टीच, चल ओके पेन काम नहीं कर रहा. विल यू टीच मी चेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेस आ जाएगा. अब देखो विल यू टीच मी उसके बाद मिस्टर शर्मा डैश क्लास एट, कि मिस्टर शर्मा जो हैं वो क्लास एट में पढ़ाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, टीचिज आ जाएगा. है ना वन में ये आ जाएगा टीच और दूसरे में क्या आ जाएगा, टीचिज आ जाएगा. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, सीखेंगे. ठीक है किसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में. ठीक है सीख चुके हैं एक्चुअली, हैव है ना, तो हैव का यूज़ कहाँ होता है, जब कोई काम हो चुका होता है तो, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है किसकी, वर्ब की, वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो हम क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड. ठीक है ये लर्न्ड आएगा इसमें थ्री नंबर पे. ठीक है क्या आएगा, लर्न्ड, लर्न्ड आएगा. तो वन में टीच आया, टू में टीचिज आया और थर्ड में लर्न्ड आया. माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, कि मेरी जो बहन है ना उसने मुझे सिखाया, सिखा चुकी है. ठीक है कि कैसे हॉर्स चलाते हैं, तो हैज़ के साथ, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आएगा, टोट आएगा. टीच टोट टॉट, टोट आएगा, हैज़ टोट मी. ठीक है सिखाया था मुझे. आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, कि मेरे मैं सीख चुकी, मैंने सीखे हैं. आई हैव लर्न्ड, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के साथ फिर से थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है. देखो तीनों में ही हैज के साथ क्या आई है, थर्ड फॉर्म आई, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है. ओके अब सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, मतलब कुछ रीति रिवाज मतलब मैंने सीखे हैं इंडिया के. आई डैश हाउ टू साइकिल, कि मैंने सीखी है, मतलब मैंने सीख ली है. यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहा है, कि मैंने सीखी हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old. अच्छा कैसे साइकिल चलाते हैं, जब मैं सिर्फ 4 साल का था ना तब मैंने सीखी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, लर्न्ड आएगा. ओनली एल ई ए आर इन, दो बार आया ना लर्न्ड, है ना, एक तो द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड, अब यहाँ पे भी लर्न्ड आया लेकिन वहाँ पे हैव के साथ आया, यहाँ पे खाली है, वहाँ पे कर चुके हैं के सेंस में है. ठीक है और यहाँ पे मतलब पास्ट की बात करें, वो भी पास्ट की बात है लेकिन वो अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ काम ऐसा है वो. ओके तो सबको पता चल गया, विल यू पहले में क्या है, विल यू टीच मी चेस,
उसके बाद मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8, द स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट सेफ्टी रोड सेफ्टी, माय सिस्टर हैज टोल्ड मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, आई हैव लर्नड सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, कि मैंने कुछ कस्टम्स सीखे हैं, आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड, इसमें लर्नड आएगा, तीन में आया लर्नड है ना, ओके अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, ठीक है। अब हमें देखो इसमें बाज वर्ड दो दे रखे हैं, पहले देखो दिख रहा है इसमें क्या दे रखे हैं, दो इकट्ठे हमें वर्ड दे रखे हैं, एक हमें छाट कर लिखना है इसमें। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल आया, बाज आएगा वर, सोच सकते हो आप, वर आएगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, वर, वर भर देना है, यहाँ पर जगह दी हुई है। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। अच्छा ये नोटबुक में लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। अच्छा कॉपी में जब लिखोगे कंप्रेंशन जो दिया हुआ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हेडिंग डालोगे और उसके नीचे फिर एक पहला लेटर लिखते हैं पैराग्राफ का कंप्रेंशन का, और लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है, और बीच में डॉट 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 लगा देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये वाला पैराग्राफ है, और वो बुक से देख सकते हैं जब भी आपको देखना हो तो, ठीक है। अब देखो ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, कि जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं ना वो इकट्ठे हुए कहाँ पे, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने। दे अब देखो दे के साथ फिर से वही वाज लगेगा या वर लगेगा। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, कि वो कहाँ जा रहे थे, इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे, ठीक है। द डैश द बस डैश, अब देखो बस अराइव या अराइव्ड, कि आ चुकी थी या आने वाली थी ये बताना है, ठीक है, आई या फिर आ चुकी थी, ठीक है। द बस अराइव्ड, बस आई थी। एंड दे देखो लेफ्ट आएगा, मतलब बस जो आई, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं तो अराइव्ड पास्ट में है सारा, देखो क्योंकि वाज वर लगा रहे थे हम पास्ट में है, तो पास्ट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए अराइव्ड लगा यहाँ पे, अराइव नहीं लगेगा, अराइव प्रेजेंट फॉर्म है। एंड दे लेफ्ट, लेफ्ट आएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म है, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, फॉर द स्टेडियम, स्टेडियम के लिए वो उन्होंने बस में बैठ के वो चले गए, लेफ्ट कर दिया। द रनर्स वर, अब देखो वर के साथ टेकिंग आएगा या टेकन आएगा बताओ, अब क्योंकि देखो ये द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो रनर्स थे ना उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया गया था, ठीक है, तो टेकन आएगा। जब हम ये यूज़ करते हैं ना ले जाया गया के द्वारा वाले शब्द जो होते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कि मैं ये काम उसके द्वारा किया गया, ये पैसिव फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक्टिव में सिंपल होता है कि वो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे, या सिंपली जो हम बोलते हैं, लेकिन पैसिव में हम कैसे बोलते हैं कि किसी दूसरे बंदे के द्वारा उनको वहाँ ले जाया गया या वहाँ पे खड़ा किया गया। तो देखो यही है, द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो दौड़ने वाले थे उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया गया, ठीक है, टेकन, तो क्या आएगा, टेकन। द रनर्स, अब उन्होंने अपनी पोजिशन ली, सेकेंड फॉर्म फिर से टुक आएगा, द रनर्स टुक देयर पोजिशन, रनर्स ने अपनी पोजिशन ली, ओके। सर, अब देखो जो सर थे उन्होंने क्या किया, विशल बजाई, मतलब क्या, ब्लो आएगा या ब्लू आएगा, देखो ब्लो फर्स्ट फॉर्म है और ब्लू सेकेंड फॉर्म है, और हम सारा पास्ट में कर रहे हैं तो ब्लू आएगा। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, अब देखो रन फिर से, रन रेन, रन की सेकेंड फॉर्म रेन, तो कौन सा आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी रेन, यह आएगा रेन फास्ट, हमारे स्कूल का एक लड़का बहुत तेज दौड़ा, ठीक है। उसके बाद एंड केम फर्स्ट, कम की सेकेंड फॉर्म केम, और क्या आया, वो सेकेंड फॉर्म लगानी, ध्यान रखना वो फर्स्ट आया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो केम आएगा, ओके, ध्यान रखना है ये आप सब। देखो क्या है, एवरीवन, जो हर कोई था, डैश, अब देखो डू या डिड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओब्लिक एक्चुअली,
यहाँ पे ऑब्लिक है, डू के बाद यहाँ पे ऐसे है ऑब्लिक, डू डिड, डू या डिड में से हमें निकालना लगाना है। हर किसी ने, देखो एवरी वन डैश देयर बेस्ट, हर किसी ने अपने तरफ से अच्छा किया, अपना बेस्ट किया वहाँ पे, तो डिड आएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिर से डू का सेकेंड फॉर्म डिड, एंड आवर मतलब डू का पास्ट में जो होता है डिड होता है, एंड आवर स्कूल वॉन, देखो वॉन आएगा सेकेंड फॉर्म, हमारा स्कूल जीत गया, द ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जीत गया, ठीक है। एवरी वन, अब देखो इसमें क्या आएगा, फील, फेल्ट या फेल, जॉयस, मतलब हर कोई खुशी से भर गया था, ठीक है, महसूस कर रहा था, तो क्या आएगा, फील तो फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट आएगा, और फेल मतलब गिरना होता है, तो क्या आएगा, फेल्ट सेकेंड वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 ईयर्स, जो भैया है वो पढ़ रहा था सेम क्लास में, सेम क्लास में फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से पढ़ रहा था वो, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स बोल रहे हैं, देखो 4 लगाया और 2 ईयर्स, 2 साल से पढ़ रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे, देखो 4 का यूज़ कहाँ हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 4 का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मुन्ना वाज फ्लाइंग काइट सिंस द मॉर्निंग, कि सुबह से उड़ा रहा है, ठीक है, मुन्ना पतंग सुबह से उड़ा रहा है, फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, कि एक टाइम पास्ट से शुरू हुआ और अब तक वो काम कर रहा है, तो उसमें हम सिंस लगाते हैं, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और उसको अभी तक कर रहे हैं, तो हम सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 लगाते हैं, 4, और पास्ट से शुरू होके अभी तक जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंस, याद रखना ये 2 चीज़ें। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग 4 और सिंस, अब हमें जो फिल इन द ब्लैंक बने उनमें हम 4 लगाना है या सिंस लगाना है। देखो I have lived in this house dash I was a boy, ठीक है, कि मैं इस घर में तब से रहता हूँ जब मैं एक लड़का था, मतलब बेबी था, सॉरी बेबी था, छोटा बच्चा था, तो क्या आएगा, सीन्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा, सीन्स आएगा। उसके बाद द बिग जार हैज बीन, जो बिग जार है, हैज बीन इन आवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, अब देखो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे कि, ठीक है, द बिग जार जो बड़ा जार है हमारी फैमिली में बहुत सालों से है, ठीक है, तो क्या आएगा, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर दैट द लास्ट 200 ईयर्स, इसमें भी टाइम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, 4 आएगा इसमें भी, फॉर द लास्ट 200 ईयर्स, की 200 साल से है यहाँ पे, ठीक है, 200 साल पुराना है। नोबडी हैज सीन हिम यस्टरडे, कल से किसी ने उसको नहीं देखा, अब देखो पास्ट से शुरू और अभी तक भी चल ही रहा है वो काम, कि उसने अभी तक उसको किसी ने नहीं देखा कल से, तो सीन्स आएगा ना, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, कि उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा और पास्ट से शुरू हो गया वो काम, तो सीन्स आएगा इसमें लास्ट वाले में, ठीक है, सबको क्लियर हो गए होंगे ये सीन्स और फोर, फिर से सुन लो, 4 कहाँ आता है, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस कहाँ आता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है और अभी तक चल रहा होता है उसमें आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्रोजेक्ट वर्क है, क्या है, देखो चूज ए स्टोरी दैट यू लाइक, एक स्टोरी चूज करनी है जो तुम्हें पसंद हो, इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू ए शॉर्ट प्ले, कि एक स्टोरी लिखनी है, डायलॉग्स लिखने हैं आपको, 4 बच्चे हमें लेने हैं, कोई भी 4 बच्चों की स्टोरी, मतलब बच्चे नहीं उसमें, वो जो किरदार निभाएंगे वो तो क्या हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे हैं, मतलब एक तरह से प्ले है, ये स्टोरी है, उसको प्ले के रूप में परफॉर्म करना है, एक स्टोरी बनाएंगे आप और उसमें डायलॉग्स, जैसे मुन्ना और भैया की स्टोरी थी ना, पहले मुन्ना बोलता है फिर भैया बोलता है, उनके डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि भैया बोल रहा है, मुन्ना बोल रहा है, तो हमें वो लिखने होते हैं कि जैसे ऐसे भाई मुन्ना बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख के और फिर ऐसे लिखते हैं और फिर उसके डायलॉग्स यहाँ लिखे जाते हैं, तो इस तरह से एक स्टोरी बनानी है आपको, एक प्ले बनाना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको करना है, ठीक है। लेकिन वो ये मुन्नार भैया की नहीं, दूसरी कोई स्टोरी बनानी है, उसमें हमें चार करेक्टर लेने हैं। अभी तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, जैसे मुन्ना ने कुछ बात कही तो उसका डायलॉग यहाँ, फिर भैया ने कुछ बात की तो ही उसका डायलॉग यहाँ, ऐसे चार करेक्टर लेने हैं हमें, उनकी बातें हमें दिखानी है स्टोरी में और एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, दैट्स ऑल, ठीक है। देख लेती हूँ, आई थिंक ख़त्म हो गया, यस ख़त्म हो गया, दिस लेसन इज़ फिनिश नाउ, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, हैव ए नाइस डे।